हमारे साथ में जो हो रहा है ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा है। मैं सरकार को खुली चुनौती देती हूँ कि मातृशक्ति को अगर वो जगाने का काम कर रही है, जिस दिन मातृशक्ति रोड पे आ गई ना, सरकार को ये बहुत भारी पड़ेगा। आज अस्पतालों में हमारे साथ में क्या व्यवहार किया जा रहा है, आज हमसे पूछे और हम सरे आम सड़े। कल तक तो हम कह रहे थे कि हम घर घर जाएंगे, आपकी सरकार का हम काम करेंगे, घर घर जाके आपकी योजनाओं का प्रचार करेंगे, लेकिन अब आपका काला चिट्ठा हम खोलेंगे कि आज हमारे साथ में अस्पतालों में कैसा व्यवहार किया जा रहा है। अगर हम वहाँ पे जाके कहते ना कि हम धरना स्थल से आए हैं तो वहाँ पे हमारे साथ में ऐसा व्यवहार किया जाता है। अरे ये तो वही है धरना स्थल वाले, क्यों हमारे साथ में जैसी अलग से हमारी क्यों पहचान बना दी गई है। और अगर हम कहते हैं कि नहीं हम नॉर्मली रस्ते चलते हैं, हमारे साथ में हादसा हो गया, तब हमारे साथ में वहाँ पे अच्छा सा व्यवहार किया जाता है। ये सारी सरकार के खिलाफ ये जो हो रही है ना, ये सारा उनका ही खेल है। और ये काला चिट्ठा हम सड़कों पे उतरेंगे और पूरे राजस्थान को बताएंगे, पूरी दुनिया को बताएंगे कि सरकार क्या कर रही है। अब तक तो हमने बोला था कि हम आपका काम करेंगे, लेकिन अब हम बताएंगे कि अब हम क्या करेंगे। लड़ लो आप चुनाव और ले आओ अपनी सरकार, हम देखते हैं जब ये 5,000 युवा उतरेंगे ना सड़कों पे तो ये सरकार को बहुत भारी पड़ने वाला है। थैंक यू सर।